मॉर्निंग क्लास, चलिए हम लोग क्लास 11 का शुरुआत करते हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पूस ईरा। पूस की ईरा, ध्यान दीजिएगा, दो तरह के कैलेंडर चलता है पूरे दुनिया में। दुनिया क्या, ऐसा तो बहुत तरह का कैलेंडर है, लेकिन एक होता है जिसको ग्रिगेरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि आपका शुरुआत होता है जनवरी से और अंत करता है दिसंबर तक। और हम लोग के यहाँ जो संवत चलता है, जिसको हम कौन सा संवत बोलते हैं, लिखा रहता है कैलेंडर पर, देखिएगा सत संवत, क्या लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो होता है महीने 12 होते हैं। कितने महीने होते हैं, कौन कौन होते हैं, पहला जो होता है उसका चैत होता है, दूसरा जो होता है वो वैशाख होता है, कौन होता है, ठीक है, तीसरा जो होता है ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, उसके बाद श्रावण, भाद्र, आश्विन, ठीक है, कार्तिक, उसके बाद आगहन, हाँ, उसको पौष बोलता है, ठीक है, मार्च, और लास्ट जो होता है आपका फाल्गुन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे कौन सा महीना पढ़ेंगे अभी, पूस की यानी पौष की रात, इसी को बोलते हैं हम लोग पूस, क्या बोलते हैं पूस। ये कब आता है, जनरली यह जो होता है दिसंबर और जनवरी का महीना, जो दिसंबर और जनवरी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूस, क्या बोलते हैं इसको पूस। तो एक महीना है, क्या है, पूस एक महीना, ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको चैत बोलते हैं, सबसे लास्ट होता है उसको फाल्गुन बोलते हैं, और फाल्गुन का जब अंत आता है तो हम लोग मनाते हैं होली। कार्तिक में क्या मनाते हैं आप लोग, दीपावली मनाते हैं, यही ना करते, सावन में सोमवार कोई एगो शुरू वाला है, अंत वाला सोमवार कोई करता है, क्या सोमवार 16 सोमवार, और कोई करता है 52 सोमवार, साल में 52 होता है 52 सोमवारी करता है, जिंदगी भर सोमवारी ये करता है नहीं। जनरली हम लोग सोमवारी कैसे कैसे करते हैं, एगो पहला एगो अंतिम, और कौन करते हैं कंजन, और कौन करते हैं सेकेंड लास्ट करते, कोई भी करेंगे तो उसके बाद एगो लास्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए थर्ड किए तब लगातार करना पड़ेगा ना, लास्ट करना पड़ेगा। ऐसे जनरली लोग करता है, दो सोमवारी कम से कम करता है, नहीं तो करने वाला जो पूरा महीना भर कर लेता है पूरा श्रावण, और नहीं तो जिसकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली होती है उस 16 सोमवार। अब नया नया शादी ठीक हुआ होगा, मौन भर बतियाता होगा, वो तो 16 सोमवारी करेगा नहीं, ओकरा बाद तो सोमवारी के नाम न लेगा। तो पूस की रात, नाम से लग रहा है कि पूस यानी दिसंबर और जनवरी का महीना होगा। जरा कल्पना कीजिए आप लोग, जब महीना जनवरी या दिसंबर का होगा इतना कपकपी होगा, तनी देखो तो सिगुर एक तो हम ऊपर से नीचा पैक, कान उन सब पैक, नाक उक सब पैक, एकदम से लगता है जैसे जारा धौंस गया, घुस गया ना, एकदम कपकपाए, कतान में तेरी क्लास में उल्टल है, हमारे से यहाँ पे सोल रखना पड़ता, देख और हा जल्दी से ना, उस समय हम लोग अनुमति दे देते हैं कि सभी लोग अपना शॉल लेकर आएंगे और कम से कम कान में बांधने के लिए, नहीं तो फाइन हो जाता है, फिर होगा इस समय भी नहीं, और सभी को कहा जाता है कि अपना अपना को एक्स्ट्रा भी रखे ताकि इमरजेंसी पड़े तब तुरंत उसको लपेट देते, समझी, तो दिन आने वाले, और वैसा मौसम है, और उस मौसम में बड़ी सुंदर कहानी चलेगी नहीं, जिसमें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहानी तो सिंपल सा है, ये पूरा जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित है, उसकी रहा रात जो है ये किसके द्वारा रचित है, और यह क्या है, पूछेगा पूस की रात क्या है बाबू, तो पूस की रात जो है एक कहानी, कौन चीज है, कहानी है, पूछेगा पूस की रात किस प्रकार की विधा या संदर्भ है, ऐसी पूछता है किस प्रकार की विधा या संदर्भ है, तो उसका भी जवाब क्या होगा, कहानी। विधा या संदर्भ का मतलब होता है कि किस प्रकार से लिखा गया, तो क्या लिखा गया, कहानी, याद रहेगा, पूछेगा पूस की रात किस प्रकार की है, तो कहानी, पूस की रात किस प्रकार की विधा है, कहानी, पूस की रात किस संदर्भ में लिखी गई है, तो क्या दीजिएगा जवाब, कोई दिक्कत है, कहानी एक ऐसा चीज होता है जिसमें कुछ पात्र होते हैं, बात करते हैं, स्थल होते हैं जहाँ पे ये कहानी रचित होती है, यही ना होगा, पात्र होंगे, स्थल होगा, यही ना होगा, हो
इसमें पात्र कौन कौन है? पात्र है हल्कू, मुन्नी, महाजन और जबरा कुत्ता। कौन कौन है इसके पात्र? हल्कू, हल्कू है, हल्कू के जो पत्नी है उसका नाम क्या है? मुन्नी। और इसका एक कुत्ता है उसका नाम क्या है? जबरा। और एक जो है जिसे सू दूध लेता है उसका नाम है महाजन ना है, ठीक है महाजन। पूस की रात की कहानी है, शुरुआत होती है पूस की रात, उससे पहले हम लोग सीधे ले चलते हैं कहाँ पे? प्रेमचंद के पास चलते कहानी सुनने। किनसे? प्रेमचंद से। तैयार हो? प्रेमचंद का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण, बहुत ही शालीन व्यक्ति, दिन रात मेहनत करके पढ़ने वाले। उनको पढ़ने के लिए डिग्री जलाना पड़ता था, और उस समय अंग्रेज अगर जान जाता था कि पढ़ रहा है तो उसके डिग्री तिबरी को क्या कर दिया जाता था? और उनको ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए बाबू नदी पार करके जाना पड़ता। क्या पार करके? थोड़ा सा एकदम आराम से आते हो, तैयो लेट हो जाता है, एकदम पानी तैर के जाना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद प्रेमचंद बहुत ही गरीबी का जीवन जिए। मेरी आवाज केवल सुनिएगा, गरीबी इतनी थी कि मत करिए, खाने के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन दिन रात पढ़ते रहते थे। इनका बहुत ही कम उम्र में क्या कर दिया जाता है पता है? शादी कर दिया जाता है। शादी तो हो जाती है, सोचे कि अब दोनों मिलकर जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये दिन में लिखते थे नहीं, दिन भर या रात भर लिखते थे। और दिन भर इनकी पत्नी जब ये जाते थे अपना पढ़ाई करने, कालो के ने सलाई बार बार के सबको जला दे, काय जला देती थी। वो कहता था ये पनलहवा दिन भर पढ़वे करता है, ये हमरा से शादी किया तो हमरा जोरी रो है बतिया तनी पार्क उर्क ले जाए, तनी कुछो कुछो खाएला ना, मेला उला खेला उला तनी घुमाए, ये आराम से खाली पढ़ ही मिला ले आए तो पढ़ ले पनलहवा, ठीक है। तो ये कहानी है। अब सबसे पहले आपको याद करना है कि प्रेमचंद जो है उनका जन्म जो हुआ था वह 31 जुलाई 1880 कब जन्म हुआ? तब हुआ याद कर लेना है, प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880। इतना बार इसको बोलो कि तुम्हारे जुबान पे क्या हो जाए? चढ़ जाए, चढ़ जाएगा। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। सभी लोग यहाँ पे बोलेंगे, समझ रहे हो? नाम तो तुम्हारा फिर भूल गए हो, प्रियंका। चलिए तो याद रखिएगा, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। याद हो गया? Yes, sir. इसका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। कंप्लीट। जब जन्म लिए हो तो मरना ही पड़ेगा। जरा सुने ना, दुनिया में आए हो तो लव कर लेकिन लव वो लव नहीं कहता, वो लव वो तो बर्बादी का द्वार है। का कौन सी है? बर्बादी का आग का दरिया है, डूब जाना है। मैं चले गाले हुए कहा तो निधन जन्म लिए हो। अब अभी कहा है कि जन्म दिया तो शिक्षा दो, जन्म दिया तो शिक्षा दो, और हम लोग का यहाँ पे जन्म लिया तो मर जाए। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर, कितने अक्टूबर को? 8 अक्टूबर 1936। जन्म 31 जुलाई 1880 और निधन 8 अक्टूबर 1936। याद हुआ सबको? बाबू एक एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं आप लोगों से डायरेक्ट आके क्या करूंगा? तो बताइए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? लोल सबका चलना चाहिए, लोल सबका इतना चल रहा हो। चले तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880।
क्या आवाज यहाँ पहुंचा, आवाज ना बैठ। चले, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। जुलाई में जन्म लिए, अक्टूबर में 1880 में जन्म लिए, 1980 में 1880 में जन्म लिया, 1936 में 36 में 32 हो गए। चलो अब आइए, उनका जो जन्म स्थान है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रेमचंद का जो जन्म है, याद रखिएगा, ग्राम लम्ही। कौन गांव में हुआ था? लम्ही। अब लम्ही जो गांव है बाबू, वह वाराणसी में पड़ेगा। कौन कहाँ पड़ेगा? वाराणसी जिला पड़ेगा। वाराणसी जिला, गांव का नाम लम्ही। लम्ही वाराणसी, लम्ही वाराणसी। और उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी का क्या बोलते हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? लम्ही ग्राम, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश। याद रहेगा? कौन? टाइम दबा लिख रहा। गांव का नाम क्या है? लम्ही। जिला का नाम क्या है? वाराणसी। और कौन कहाँ पे राज्य कौन है? यूपी। यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो खाली यूपी कोई ठीक ना, उत्तर प्रदेश। अब माता का नाम था आनंदी देवी। माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। खूब आनंद में रहती थी आनंदी देवी। क्या नाम था? आनंदी देवी। पिता का नाम था मुंशी। बस इनको ना गांव वाला मुंशी से कहकर पुकारते, क्योंकि ये काम मुंशी का करते थे। इनके पिता कौन चीज का काम करते थे? मुंशी। वही चिट्ठी में उन्हें पहुंचाने वाला। तो इनका नाम था मुंशी अजायब राय। क्या नाम था? मुंशी अजायब। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1910 में इंटर कर गए। 1910 में क्या कर गए? 1919 में बीए किए। 1919 में बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको स्नातक कहा जाता है, ग्रेजुएशन कहा जाता है, ठीक है। इनका वृत्ति अगर समझा जाए तो इन्होंने लिखा है प्राइवेट ट्यूशन। शुरू में क्या करते थे? प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। अध्यापिका की पढ़ाने का काम किए और जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़। इसे करते देश का जन्म हुआ। अभी के आदमी का नौकरी करते छोड़ छोड़ता है? नौकरी छोड़ दिए देश के लिए, कहा कि हमारा देश अभी विपत्ति में है। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को याद है, अमृतसर के उनमें, अमृतसर न था जहाँ पे हमारे हजारों सैनिक कौन सी लोगों को क्या कर दिया गया था? दीन दहाड़े गोली से पूछ दिया गया। तो जालियांवाला हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ जाने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी क्या कर दी? छोड़ दी। पूछेगा सरकारी नौकरी प्रेमचंद ने क्यों छोड़ दिए? जालियांवाला हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? नौकरी। इन्होंने कुछ संपादन किया, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। संपादन समझते हो ना? संपादन का मतलब होता है पत्र पत्रिका जो होते हैं उसको इन्होंने संपादन किया, छपाने का काम किया। उसका नाम है मर्यादा। क्या नाम है? मर्यादा, माधुरी, मर्यादा, माधुरी और जागरण और हंस, ठीक है। ये है आपकी इनकी कौन चीज है ये सब? तो ये सारा चीज इनका संपादन है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो याद करना पड़ता है उनकी कृतियां, कौन कौन से किताब लिखे। आप जब एग्जाम देने जाइएगा इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। उन्होंने बहुत सारी किताब लिखा जिसमें सेवा सदन, हम कुछ जो है उसका नाम लिख देते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां जो है उनका नाम है सेवा सदन। क्या नाम है? सेवा सदन। ये सब किताब बाजार में मिलती है, ठीक है।
जब आप लोग इंटर पास कर जाएगा, आपके पास टाइम होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सब किताब खरीद कर पढ़िएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती है, जिंदगी जीने का हुनर आता है, दूसरे से बात करने का सलीका सिखाता है। बात समझ रहे हो? हम लोग पढ़ते इसीलिए नहीं कि हम लोग को नौकरी हो जाए, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मानव में जन्म लिए, मानव का गुण सीखे, सब बने। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ाई करते हैं कि खूब कमा के छत खाली पीते, हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर संस्कार आए, मानवता आए, कोई हमसे बातें करे तो लगे कि हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं। ये ना कि दूरा पर गए तो झसकेले दाके किसी के सामने जाओ तो लगना चाहिए ना कि आदमी से बात करे, समझ रहे हो ना? क्या नहीं साहब, कहाँ चल गए लोग? सर नहीं आई। नहीं आई है कि नहीं आएगी? सर नहीं आई है। नहीं आई। चलिए, तो ये सारे चीज है। कृतियां ये पूछेगा, प्रमुख कृतियां या कृति मतलब समझते उन्होंने जो लिखा, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा एक एक किताब का। जैसे सेवा सदन, कौन है सेवा सदन? एक का किताब का नाम उनका प्रेमाश्रय, 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 प्रेम आश्रय। एक किताब है जिसका नाम है रंग भूमि, रंग भूमि, का भाई लो। और एक का नाम है कायाकल्प, क्या नाम है? कायाकल्प, निर्मला, बहुत बेहतरीन किताब है निर्मला। गबन, कर्म भूमि, सब कौन चीज है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई गोदान, ये बहुत गोदान है, गाय की कहानी है, ठीक है, ये है आपका। और लगभग ये सारा जो है उपन्यास है, सब क्या है? उपन्यास, प्रमुख कृतिया का ये उपन्यास है। और एक और बात याद रखिएगा, इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, पूछेगा कि कितने कहानियां इन्होंने लिखा, 300 कहानी। हम लोग अभी तक कयो कहानी लिखे है, 0/0, ठीक है। और इन्होंने कितना लिखा, 300 कहानियां, उसमें से मान सरोवर, एक कहानी का नाम क्या है? मान सरोवर। विवाह मूवी देखे है? विवाह मूवी नहीं देखते हैं सर? नहीं देखते हो? विवाह में मान सरोवर तिब्बत का एक झील है जिसका वर्णन किया गया है। तो मान सरोवर इन्होंने लिखा 8 खंडों में, कई भाग में बंटल है? 8 खंडों में। पूछेगा मान सरोवर कितने खंडों में बंटल है? 8। पूछेगा मान सरोवर क्या है? कहानी है। प्रियंका जी, मान सरोवर क्या है? कहानी। कितने इन्होंने कहानी लिखा? लगभग 300 लिखा, एक में मान सरोवर है, ठीक है। निबंध लिखे इन्होंने बहुत सारे, निबंध ऐसे लेख लिखे इन्होंने, टिप्पणी लिखे, विभिन्न प्रसंग लिखे और अनेक अनुवाद भी किए। तो एक बात आपको जो याद करना है बाबू, याद रखिएगा मान सरोवर 8 खंडों में, और उपन्यास इन्होंने जो लिखा, क्या लिखा? उपन्यास। उसमें सेवा सदन, उसके बाद रंग भूमि, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ऐसे तो सारा इम्पोर्टेंट ही है। और सबका पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन, बताइए गबन के लेखक कौन है, कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद। याद कर लो एक बार, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कुछ उपन्यास है, कृतियां है, सेवा सदन, कौन है? सेवा सदन। प्रेम आश्रय, क्या है? प्रेम आश्रय। लोल को चलाइए, लोल चलनी चाहिए, ठीक है, चोच को पोस के नहीं रखना, चोच को बोलवाने के लिए रखना। चलिए, तो प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां में पहला उपन्यास सेवा सदन, उसके बाद प्रेम आश्रय, उसके बाद गारुस्तम जी, ये कौन है? निर्मला, नंदनी, लोल नोच दो, नोचा लो, मैं कुछ तो किया लो सर, जी नोच दो, कला नो खातू ना बोले तो नहीं, दान ना देवे ना पूछ लो कर, कोई दिक्कत है तो बोलो बोल। तो एक बार फिर से आ जाओ, चले मुंशी प्रेमचंद, लेखक जो है प्रेमचंद, उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेमचंद का ही नाम क्या है बच्चे लोग? मुंशी प्रेमचंद।
प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और इनका जो मूल नाम है, बचपन का जो नाम था धनपत राय। इनका मूल नाम क्या था बउआ? बचपन में लोग क्या बोलते थे इसको? धनपत राय। बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद किनका नाम है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद किनका नाम है? प्रेमचंद। कोई दिक्कत है बताइए, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। और मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। 8 अक्टूबर 1936। वही है ना। चलो जन्म स्थान बताओ, कहाँ जन्म हुआ था? ओए, कहाँ जन्म हुआ था? लम्ही। कहाँ पे? लम्ही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे जन्म हुआ था? अरे बोले के आई सभी लोग बोलेगा। चले, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश। अभी नहीं करोगे तो, बोलोगे तो याद हो जाएगा। बोलने से याद होता है ना? होता है। देखा जी, डेली सोमवार आते याद हो गए ना? उसी का ये ऐसे घर जाए बोले 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद। सपनों में वैसे आई गई तो बोले 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद का जन्म, 8 अक्टूबर 1936 निधन हुआ। जन्म कहाँ हुआ? लम्ही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछेगा उसके बाद अगर पूछते हैं कि बताइए माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। माता का नाम? आनंदी देवी। माता का नाम? आनंदी देवी। माता का नाम क्या है? आनंदी देवी। पिता का नाम? अजय राय। बचपन का नाम बताओ उनका। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय। प्रेमचंद का पूरा नाम बताओ। मुंशी प्रेमचंद। संपादन किए मर्यादा, संपादन किए मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, याद रहेगा। उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? सेवा सदन, प्रेम आश्रय। बोलो मेरे साथ, लिखना बंद करो बच्चा, बोर्ड लिखना नहीं खाऊंगा। चलिए उपन्यास बोलिए, पहला कौन है? सेवा सदन। पहला कौन है? सेवा सदन। चलिए प्रभु कृत्य पहला बताइए। कहानी कितना इन्होंने लिखा? लगभग 300 नहीं, और मान सरोवर कहानी है जो लगभग 8 खंडों में पढ़ा हुआ। दिक्कत है तो बोलो। अब सुनिए, प्रेमचंद को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनको कथा सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा सम्राट। जगह मिलने पर पास देंगे, जगह मिलने पर पास देंगे। इनका जो उपनाम है, कौन नाम है? उपनाम। उपनाम में इनको कहा जाता है कथा सम्राट, यानी कथा कहने में माहिर। क्या कहते हैं इसको? कथा सम्राट। कलम का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि इनकी लेखनी कला में बहुत दम था। पूछेगा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? और कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? इनका मूल नाम हो गया धनपत राय। मूल नाम क्या हो गया? धनपत राय। पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और उनका उपनाम क्या हो गया? कथा सम्राट और कलम के। इन्होंने एक बड़ा सुंदर पंच परमेश्वर का नाम सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने बच्चे लोग? तो नहीं सुने तो अभी सुन लो। उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर, पंच माने पांच, और पर माने परमेश्वर, परमेश्वर माने
पांच जो होते हैं जो फैसला करता वो परमेश्वर ईश्वर का रूप होता है, पंच परमेश्वर। इन्होंने एक और किताब लिखा जिसका नाम है कफन। क्या नाम है? कफन। हमारे गला जो किया जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? आप सुनिएगा, कुछ जो आपके बुकों में लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि प्रेमचंद जो थे बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन के उपज और अभिव्यक्ति थे। बुक मिलती है उसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसको क्या कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। चलिए बताइए उस की रात के लेखक का नाम क्या है? उस की रात का लेखक कौन है? उस की रात क्या है? उस की रात क्या है? उस की रात किस विधा में लिखी गई है? उस की रात किस संदर्भ में लिखी गई है? चलिए प्रेमचंद का पूरा नाम बताओ। निशा रुको कलम खाली बोलो। प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? और उनका मूल नाम क्या है? बचपन का भी नाम क्या है? कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? कलम के सिपाही के नाम से कौन जाने जाते हैं? कलम के जादूगर था राम वृक्ष बेनी। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनी। कोई दिक्कत है क्या? आगे प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? जो आपस में ना बोलेगा ना तो मारना। तबियत सुधर। चलिए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1885। निधन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1936। बोल कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? रामायणी ग्राम वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश। माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। माता का नाम? आनंदी देवी। तो नाम क्या था? माता का नाम क्या? प्रेमचंद का आनंदी देवी। पिता का नाम? इंटर कब पास किए? बीए कब किए? संपादन किए कौन कौन से? मर्यादा, माधुरी, जागरण। और उनके उपन्यास कौन कौन है? प्रेम आश्रय। प्रेम आश्रय ठीक है। कर्मभूमि कर्मभूमि चल गए गफन उड़ के। और कहानी इन्होंने कितना लिखा? एक मान सरोवर कितने खंड में है? 8 खंड। इतना चीज आपने पढ़ा। किताब अगर आपके पास है एक बार जिसको क्या कर लेना है? और तब शुरू होती है पूछ की रात। एक बार पूछ की रात को पूरा क्या करके आइएगा, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। समझ रहे बात? और किताब नहीं है बाबू, जब तुम दुनिया में नहीं थी दुनिया में कोई लाया कि नहीं लाया? आया। किताब नहीं है आएगा। तो किताब भी लाना पड़ेगा कि तुम्हारे आ जाएगा हाथ में कि लो ये रुस्तम ये नंदिनी ले जा बहू, ऐसे कहेगा बोलो होगा। और किताब नहीं रहेगा तो अब हम लोग पूस की रात का शमरी सुनेंगे, थोड़ा सा सुन लिया जाए ठीक है। सबसे पहले पूस की रात में वर्णन किसका है इसके समझ। बैठ जाओ सर, छुट्टी करिए ना। नो सर, नो सर।
पूस की रात कहानी, पूस की रात कहानी, अपने करो, पूस की रात कहानी की शुरुआत जो होती है वह महाजन के घर पर आने से हो। इसके आप किसी का भी पैसा जब लेते हैं कर्जा पर, तो वह अपना सूद वसूलने आया लेना है। कहाँ नजर बंद करो सोमवारी, भगवान शिव को ध्यान करो। तो ये जो प्रेमचंद की कहानी है, कौन सा पूस की रात, इसमें किसानों के हालात के बारे में बताया गया। क्या दिन रात धूप में या आग में जलता है कोई और खाता कोई और, मेहनत कोई और करता है और उसका फल बिचौलिए ले जाते हैं। बिचौलिया माने बीज का व्यापार करने वाला, यानी किसान जो होता है वह दिन रात मेहनत करता है लेकिन दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, ना अच्छे कपड़ा पहन पाते हैं और ना ही अपने बेटे बेटियों को अच्छा शिक्षा दे पाते नहीं, जबकि पूरे अन्न उपजाने का जो काम करता है वो कौन करता है, किसान करता है, फिर भी उनके हालात ठीक नहीं। कुछ अपनों ने मारा, कुछ गैरों ने मारा ना, यानी कहा जाता है कि आप अगर ज्यादा आगे पढ़ने लगते हैं तो कुछ अपने लोग ही आपके जान के क्या बन जाते हैं। तो सुनिएगा, इसमें क्या है कि हल्कू नाम का एक किसान रहता है जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है और खेती करने के लिए वह पैसा उधार महाजन से लेता है सूद पर, और जब फसल उपजती है तो आशा करता है कि हम उसको सूद क्या कर देंगे, दे देंगे। लेकिन कभी वर्षा ने तो कभी सुखार ने तो कभी तबाही बाढ़ के कारण वह क्या हो जाता है, और उसके बाद किसान कभी ठंडे की मार तो कभी जानवरों की मार, सब कुछ सहते हुए वह क्या करता है, अपनी खेती को करता है। जब फसल कटने का मौका आता है तो कभी जानवर चर जाते हैं तो कभी भाई लड़की यही चाल अगर रहा ना, देखते तो गाड़ी सुनते करोगे गाली जाएगी जहां जहां, याद तो है जहां जहां जाता हूँ वही चलिया लड़की ना कभी जहां जहां जाती हूँ वही चले आते हो, वैसी पिछलग्गा बन गए धोती धैल की है। तो वही है, उपज करता है, उपज जब काटने का मौका आता तो उसको हल्को का जो फसल होता है वह जानवरों के द्वारा क्या कर देता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि फसल तो बर्बाद हो गया है, फसल क्या हो गया, तो वह बस कुछ बहुबलों की बात है। तो गाना सुनो विवाह का, कुछ दिनों की बात है, वो सुनाए गाना, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ बातें हो चुकी है कुछ बातें अभी है बात। तो सुनिएगा, उसमें क्या होता है, जब उसकी पत्नी मुन्नी आती है और देखती है कि पूरा फसल बर्बाद हो गया है, मन तो पूरा एकदम एकदम गुस्सा से चेहरा लाल, आय लगता है कि जाके पति को देते दो चार गुस्सा मार कर खूब गाली, लेकिन बरात चला कर रहता है सर कौन फल, आराम से सुतल रहता है। जब देखता है कि पत्नी आने वाला है तो आता है, तो हाँ की हुआ, वो तो भी गुस्सा रही थी, वो जानता है कि अब आएगी तो गाली देगी, खूब हमको बेइज्जत करेगी, आई जो ना गप कैसे हो जाए, कहता है कि आज मेरा पेट ऐसा दर्द उठ रहा रात से, हमरा तो बुझाए प्राण उड़ गए, अब तोरा लागल फसल हमर प्राण जान जा रहा, तोरा फसल जाए दे मजदूरी कर ले। पत्नी सोचे ठीक है, पति रह तब हमरा देखो बात कर पैसों कमा कर, रहबे न करत तक कोर माने कथी, फसल गेले तो गेले, आदमी तो है न दर्द उठल तो कला मर जते, मान गए अभी वाला बियाह होते नया बियाह होते
कन्हा पर हाथ धलकै त मन चललै कहलकै ठीक है तू अभी तक काम कहैत रहे पहिला ही कि से काम न करै फायदा होगा ना तू तो हता चिड़िया कतनो समझलिया लेकिन ना मान तब ठीक तो ओकरा बाद कहलकै ठीक है दोनों प्राणी मजदूरी करेंगे कम से कम हमारे यहाँ पे कभी बाढ़ का कभी सुखार का तो ना रहेगा जेहे कमाएंगे खा पी के तो अच्छा से रहो ठीक है और इसी के साथ कहानी क्या हो जाती है लेकिन ये तो टेलर था पिक्चर अभी पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर देखना चाहते हो यस सर टिकट ले लेना और बहुत लाजवाब कहानी है कल आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा पढ़ा दूं ठीक है और उसके बाद आप लोग इसका जो है क्वेश्चन बना ले जब पढ़ा दूंगा बढ़िया से क्वेश्चन आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा तो आज सोमवारी का दिन है बाबा भोलेनाथ के दरबार में आज तक कोई खाली नहीं गया है नहीं समझ रहे हो जयकार तो बनता है उन्होंने कहता है भोलेनाथ का जयकार लगा दे किसको आता है कैसे होगा वो कैसे शुरू होता है अगर हम लोग जाते हैं भोलेनाथ के यहाँ तो कैसा बड़ा जयकार चलता है अरे ऐसे ना होता है बोले भोलेनाथ की अगर गाना सुने हो जेकर कति दोन है भोले और कौन करे कौती भी गाता है शमशेरवा कौन कैसे कौन गाना है देखो गाना है ना जेकर बोला जेकर रक्षा के अगर कौन करे कति दोन वो गा को ना भाई चलो कैसे बोली रे शमशेर कैसे बोलो ना ना याद आ रहा है ठीक है शर्म तो आती रहेगी लेकिन यही शर्म अगर मरने के समय मैं रहूंगा ना मान चैला से कितना सरम मतलब कितना पानी गोरा हां बोलूं कितना सरम ठीक है बजे पे निकल के जाएगी